हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं पीआर की अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आपको कुछ इस तरह से दिखता होगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, अभी इसके बारे में समझाऊंगा कि आपको कभी कभी क्या डाउट होता है कि आपकी सीट अगर कन्फर्म टिकट निकली है तो कहाँ पर सीट है और कौन सा मतलब सीट का नंबर है, ये सब आपको जानने में तकलीफ होती होगी। भाई ये सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन का टिकट बुक करते हो तो अगर आप अपने टिकट की मतलब क्या स्टेटस है से देखना चाहते हो, क्या करना है आपको, देखना है सिंपल सा पैसेंजर डिटेल पर। पैसेंजर डिटेल पे जैसे आओगे तो वहां पे पहले सबसे पहले आपको मतलब नाम दिखेगा। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस में नेम, नेम के नीचे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जो आपका नाम होगा वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एज, यहाँ पे लिखा है तो एज के नीचे जितनी भी आपकी एज होगी वो एज यहाँ पे लिखी होगी, देखिये 74 लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिये जिंदर, यानी जिंदर का मेल होता है, स्त्री का आएगा एफ, मतलब अगर पुरुष है तो आएगा एम। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो देखिए बुकिंग स्टेटस यहाँ पे लिखा होता है, अगर आरईसी भी है तो भी आपको पता चल जाएगा, कंफर्म है तो भी पता चल जाए। जैसे कि ये टिकट कंफर्म का मैंने आपको बताया तो यहाँ पे देखिए ये टिकट है यस 4 में और यहाँ पे लिखा है मतलब कन्फर्म। ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी कन्फर्म है। और यहाँ पे देखिए अगर इस यहाँ पे एक और चीज आपको देखना है, यहाँ पे बुकिंग स्टेटस बताएगा और यहाँ पे करंट स्टेटस बताएगा। ठीक है, करंट स्टेटस में क्या बताएगा, आपको दिखाएगा कि कंफर्म आपकी सीट है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यस 4 सीट है और उसके बाद एक नंबर सीट मिली है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर और लोअर बर्थ। ये चीज मैंने आपको बता दी, क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।